अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन एयर। जी हेलो, जी फरमाइए, कौन बोल रही है, कहाँ से अस्सलाम बोल रही वालेकुम है? जी। जी मैं पेंसिल्वेनिया से बोल रही जी हूँ। फरमाइए। और जी मुफ्ती साहब को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और मैं सलाम। बहुत शौक से सारे प्रोग्राम देखती हूँ। अल्लाह ताला इनको जजाए खैर अता फरमाए। और बहुत मालूमाती प्रोग्राम होते हैं। और मेरा ये सवाल है मेरी कजन के बारे में। उसको कुछ अजीब किस्म की बीमारी है कि वो जैसे बैठी बैठी गई कि मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं और घर के सारे बर्तन गंदे हैं। हर चीज, बिस्तर की चादरें, सब कुछ फेंक देती है कि ये गंदी हो गई है। मतलब इतनी गंदी है कि वो इस्तेमाल नहीं करती। लोगों को मतलब जैसे हमें गले नहीं मिलती कि आप लोग भी मतलब गंदे हैं इस तरह। ये पता नहीं क्या उसको जहनी बीमारी है। कोई कोई कहता है कि कोई मतलब जादू है, फलां है, कोई समझ नहीं लगती। जी तो प्लीज उसके लिए कुछ बताइए। और अगर मिलना चाहें आप मुफ्ती साहब से तो उसके लिए भी कुछ बता दें अगर वो उसको लेके आए न्यूयॉर्क। ठीक है, शुक्रिया जी। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। हाँ, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप प्रोग्राम पाबंदी से देखती हैं और पसंद करती हैं, जाहिर आप लोगों का प्रोग्राम है, आप लोग जितना इसको पसंद करेंगे उतना ही आपको भी नफ़ा होगा और हमारी भी यह पजीराई होगी और हम अल्लाह से अजर के ये उम्मीदवार बनते हैं। और बाकी जो सवाल है तो इसका मतलब है कि असल में एक शैतान है, वो वसवसा डालता है, वो उनको वसवसा है। तो मुख्तलिफ शैतान है, जो कोई वुजू में वसवसा डालता है, कोई आम ज़िंदगी में, कोई मियाँ बीवी के ताल्लुकात में वसवसा डाल देता है, कोई इसी तरह गुसल में वसवसा डालता है। तो ये लगता है वो शैतान जो है वो वल्हान नामी एक शैतान होता है जो वुजू वगैरह में पाकी नापाकी में वसवसा डालता है। तो वो उसके जो लगता है कि गलबे में आ गई हैं, उसके काबू में आ गई हैं, इसलिए उनको ये वसाविस पैदा होते हैं। इसे उस शैतान को दफ़ा करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह उनकी तबीयत बहाल हो जाएगी। उसके लिए पढ़ने का फ़िलहाल नोट कर लें, सूरत वन्नास आखिरी जो सूरत है, सूरत नास, ये रोज़ाना सुबह शाम 11 मरतबा पढ़ के उसके दोनों कानों में ज़ोर ज़ोर से फूंका करें और थोड़े से पानी भी दम करके पानी उसको पिला दें, उसके ऊपर छिड़क दें। ये आप 41 डेज़ की नियत से शुरू कर लें, एक तो ये अमल करें। दूसरा, जहाँ तक मेरे पास लाने का ताल्लुक है, आप बिल्कुल ये ट्यूज़डे और सैटरडे दो दिनों में मैं मुलाकात करता हूँ। फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ छुट्टी होती है, तो 12 बजे से 4 बजे तक न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक आप बिल्कुल ले आइए, ताकि यहीं पे उसकी हाजरात करके जो भी शैतान है उसको दफ़ा दूर कर दिया जाए, तो इंशाल्लाह उनकी तबीयत बहाल हो जाएगी। उसके लिए एड्रेस वगैरह आपको मैं बता देता हूँ, अल मुनीर कम्युनिटी सेंटर, 195-04 हिल साइड एवेन्यू, हॉलिस, न्यूयॉर्क 11423। तो इसके ऊपर आपको आना है और नंबर भी नोट कर लें, 347-458-9061। ये मेरा व्हाट्सएप है, इसके ऊपर आप मैसेज भेज दें कि फलां दिन हम आना चाहते हैं तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, तो आप तशरीफ ला सकती हैं। इंशाल्लाह अल्लाह उनको ठीक कर देंगे। बहुत शुक्रिया।